तो मैं खुद इस दर्द से वाकिफ होना चाहता हूँ इंस्पेक्टर। जानना चाहता हूँ क्या वाकई दुनिया में ऐसा कोई दर्द है जिसे पाकर मैं अपनी टीना को भूल जाऊं। सारा जोर आजमा ले इंस्पेक्टर, कोई कसर मत छोड़ना आज, ये मेरी मोहब्बत का इम्तिहान है। क्या गाने बनेंगे सक्सेस की वजह, किस नॉमिनेशन से खुश हुए अब्बास मुस्तान? लगता है देओल खानदान के दोनों भाई काफी चर्चा में रहने के मूड में है। देखिए ना, सनी पाजी की मूवी गदर 2 जल्द ही रिलीज होने को है, तो दूसरी ओर बॉबी की आने वाली मूवी सोल्जर 2 भी सुर्खियों में है। चलिए जान लेते हैं मूवी से जुड़ी कुछ खास बातें। वैसे अभी तो सोल्जर 2 की चर्चा चल रही है और जैसे ही मूवी से जुड़ी खबरों को हवा मिलनी शुरू होगी, फिर बॉलीवुड में चारों तरफ आग ही आग लगने वाली है। पर कुछ भी कहे, बॉबी एक बार फिर परफेक्ट फिटनेस के साथ नजर आएंगे। ये बढ़िया बात है क्योंकि इस उम्र में भी वो अपनी बॉडी को काफी मेंटेन रखते हैं, जो कि पर्दे पर काफी जबरदस्त दिखने वाला है। वो कितने भी शांत रहे, क्लासिक केमिस्ट्री दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। और मूवी के गाने कितने लाजवाब थे ना, गानों से याद आया, इस मूवी के गानों ने किंग खान को भी मात दी थी। जी हाँ, अब आप कहेंगे कि बॉबी और किंग खान का क्या कनेक्शन है? दरअसल शाहरुख खान की मूवी कुछ कुछ होता है और दिल से 1998 में रिलीज हुई, दोनों सुपर हिट भी रही। सोल्जर मूवी ने भी उसी साल बाजी मारी। दोनों फिल्मों के गानों के बाद बॉबी के गाने ने उस साल के बेस्ट सॉन्ग्स और सबसे ज्यादा बिकने वाले एल्बम की लिस्ट में 3rd रैंक हासिल की। करियर की शुरुआत में ही इतना बड़ा रिकॉर्ड करके बॉबी ने शाहरुख की फिल्मों को मात दी, इसलिए अब सीक्वल में भी जबरदस्त गाने होना काफी जरूरी है, क्योंकि सोल्जर का आधा सक्सेस तो गानों ने दिला दिया। तो पार्ट 2 में अलग अलग कैटेगरी के गाने मूवी के रेटिंग बढ़ा सकते हैं। देखते हैं डायरेक्टर अब्बास मुस्तान कैसी कहानी लेकर सामने आते हैं। दरअसल उनकी जिंदगी में भी सोल्जर मूवी का बड़ा हाथ है। उन्होंने इसके पहले भी गुजराती फिल्में बनाई हैं, पर सोल्जर से उन्हें अलग पहचान मिली। सोल्जर की वजह से उन्हें पहली बार अवार्ड भी मिला, जो कि बेस्ट डायरेक्टर का नॉमिनेशन अवार्ड था, जो कि हर किसी का सपना है। उसके बाद उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान अपनी खुशी भी जाहिर की थी। तो अब देखते हैं कि सीक्वल में हमें कौन कौन से सरप्राइजेस देखने को मिलते हैं जो ऑडियंस को एंगेज रखने में मदद करेंगे। आपके हिसाब से क्या इस बार बॉबी किंग खान को पीछे छोड़ पाएंगे, बताएं कमेंट बॉक्स में लिखकर। इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। थैंक यू।